अस्सलाम वालेकुम तुलबा, ये है आपकी किताब उर्दू सिलसिला इब्तदाई साल सोम, और इसका आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 58, जिसका उन्वान है ई के 3 हर्फी अल्फाज। ठीक है, ये देखें, ये है र ई ल, रीलर, र ई ल, र ई ल, र ई ल, द ई प, द ई प, द ई प, अ ई द, अ ई द, अ ई द, अ ई द, र ई श, र ई श, र ई श, र ई श। अब हम लिखेंगे कि जब हम र ई और ल को मिलाएंगे तो एक नया लफ्ज बनेगा और वो है रील, रील, र ई ल, रील, र ई ल, रील, र ई ल, रील, 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 रील। आगे है द ई प, द ई प, द ई प। जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा दीप, द ई प, दीप, द ई प, दीप, द ई प, दीप, 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 दीप। ये आगे है अ ई द, अ ई द, अ ई द, और जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अ ई द, ईद, अ ई द, ईद, अ ई द, ईद, अ ई द, ईद, 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 ईद। और आगे हमारे पास है लफ्ज र ई श, 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 रीश, र ई श, रीश, र ई श, रीश, 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 रीश। और आपको पता है रीश किसको कहते हैं, रीश बोलते हैं उर्दू में दाढ़ी को। ठीक है, अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे और ये जो नीचे लाइंस दी हुई हैं इन पे आप लोगों ने भी दो दो दफा लिखना है। जो ऊपर लिखा हुआ है यही अल्फाज आप लोगों ने इनकी मश्क करनी है और नीचे दी गई लाइंस में दो दो दफा लिखना है। र ई ल, रील, र ई ल, रील, र ई ल, रील, 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 रील। आगे है द ई प, दीप, द ई प, दीप, द ई प, दीप, द ई
दीप 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 दीप। और आगे है अ ईद ईद अ ईद ईद अ ईद ईद अ ईद 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 ईद। र ई श रेश र ई श रेश र ई श रेश र ई श रेश 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 रेश। ठीक है बच्चों। हाँ जी, ये देखें अब आप लोग किताब पे सफा नंबर 58। इसमें ये देखें, ये अल्फाज हैं। सबसे पहले तीन आइकन्स बने हुए हैं ऊपर, पढ़िए लिखिए और रंग भरिए। पहले आप लोगों ने पढ़ना है र ई ल रील र ई ल रील र ई ल रील अ ई द अ ई द अ ई द ईद द ई प दीप द ई प दीप द ई प दीप र ई श रेश र ई श रेश र ई श रेश। ये देखें रील के नीचे भी दो लाइंस हैं, ईद के नीचे भी, दीप के भी और रेश के भी। और ये आपने दो दो दफ़ा सारा घर में बैठ के लिखना है और फिर सबसे आखिर में आपने इन तस्वीरों में रंग भरने हैं। ठीक है।